हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो एमसी स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ उनके फोटोज शेयर किए हुए थे और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था विनिंग विदाउट यू। जिससे तो लग रहा है कि कुछ तो जल्दी एमसी स्टैन की तरफ से हमको देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही कल जो इक्का पाजी ने उनकी एल्बम का अनाउंसमेंट किया हुआ था उसको एमसी स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी शेयर किया हुआ था। साथ ही उसके नीचे कमेंट करते हुए एमसी स्टैन ने लिखा हुआ था कड़क है, और इसका रिप्लाई करते हुए इक्का पाजी ने लिखा हुआ था उसकी दोस्त भी बोलती मेरे को पसंद है स्टैन। साथ बादशाह ने लिखा हुआ था पहुंचा ले आओ। अगली जो न्यूज है वो आ रही है मुफाड की तरफ से। तो मुफाड ने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पे लिखा हुआ था लास्ट 70 डेज 7 सॉन्ग्स रिलीज आफ्टर 3 मोर सॉन्ग्स हर 20 दिन में गाने। अगली जो न्यूज है वो आ रही है किंग की तरफ से। तो अभी कुछ दिनों पहले किंग के एक लाइव शो की क्लिप काफी ज्यादा वायरल चल रही थी कि किंग ने कान्या की लाइन कॉपी की हुई है, और अभी किंग ने एक रील शेयर की हुई थी जिसमें की वो फुल क्लिप थी, आप खुद देख सकते हो। अगली जो न्यूज है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो कृष्णा अब इंस्टाग्राम पे अरविंद बाला को फॉलो करने लगे हैं। अगली जो न्यूज है वो आ रही है कलमिंग की तरफ से। तो कलमिंग ने कुछ स्टोरीज डाली हुई थी जो भाई अभी बिग बॉस में है उसी से रिलेटेड, आप देख सकते हो। एक में उन्होंने लिखा हुआ था स्टॉप टारगेटिंग जियो सिनेमा कलर्स टीवी, एक बंदे की मेहनत है 6-7 साल की बिना मतलब दूसरों की गलतियां, एक मासूम पे मत डालो सबका गलत उस पे डाल दिया, उसके मेंटल हेल्थ उसका डैमेज कौन हैंडल करेगा जस्ट फॉर टीआरपी, एक भी गलती नहीं थी उसकी फिर भी बेमतलब उस पे डाला, उसकी गलती इतनी है कि वो बेचारा उल्टा नहीं बोलता तो आप बस दबा रहे हो, दुनिया डैश नहीं है कि कुछ भी घोंट के पिला दोगे, और थू है ऐसे लोगों पे जो ये सब सपोर्ट करते हैं, दिख रहा है कि जानबूझकर उसको टारगेट करा जा रहा है। बाकी सिद्धू मूसेवाला और सिकंदर कालू का कोलैब ट्रैक हमको आज 12 बजे देखने के लिए मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।